क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से ंड वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉ जीतन सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम में अब तक हम एलगी कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से हम हमने ब्रायोफाइटा को देखा हमने टेलीडो को देखा और टेलिडो को हमने पूरा एनसीआर से कवर किया उसके अलावा हमने फर्न के और सलीला के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी यहाँ पर देखा हमनेट के और मैंने पहले भी आपसे कहा बेटा प्लांट किंगडम में भी थोड़ा सा हमें स्पेक्ट्रम बाहर कवर करना पड़ता है ताकि हम एम कुछ ऐसे एमसी होते हैं जो एनसीआर के आधार पर थोड़े से बाहर से पूछ जाते हैं मतलब वहां पर एनसीआर को रेफरेंस मान के थोड़ी सी आउटसाइड इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं उसको हम

एक लेक्चर एंजियोस्पर्म के ऊपर भी होगा जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह पर ठीक है तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म आज ठीक है क्लियर ठीक है अब देखिए कि आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो एक तस्वीर दिखाई दे रही है और ये तस्वीर को देखकर आप मुझे बताइए कि ये किस काल की किस समय की तस्वीर ये हो सकती है बताइए सोच के आपको क्या दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन पर जो है वो डायनासोर दिखाई पड़ रहे हैं आपको शाकाहारी हरबी डायनासोर दिखाई पड़ रहे हैं फिर आपको टी रेक्स कॉर्नीवोर डायनासोर दिखाई पड़ रहा है आपको एक जमाना था एक समय था वो कि जब डायनासोर इस धरती पर राज करते थे और जुरासिक काल जो है

को बड़े-बड़े पेड़ देख रहे हैं आप तो ये बड़े-बड़े पेड़ थे जिम्नोस्पर्मिक ट्री के तो पहली बार बड़े-बड़े फॉरेस्ट का निर्माण किया था जिम्नोस्पर्मनेट के क्लियर और इन जिम्नोस्पर्म पर जो है वो जो वेजिटेरियन या हर्बीवोर हम बोलेंगे जो हर्बीवोर डायनासोर थे वे इनके ऊपर डिपेंडेंट थे और उन हर्बीवोर डायनासोर को कार्निवोर डायनासोर खाया करते थे ठीक है ना क्लियर देख रहे हैं हम हमें दिखाई पड़ रहा तस्वीर में हम एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के फॉरेस्ट पहले लगे हुए के तो उस समय यह था कि फॉरेस्ट का जो नमी वाला हिस्सा हुआ करता था वहां पे टेरिडो फाइटर लगा करते थे के फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म के फॉरेस्ट हो गए और ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर के जीवन से जिम्नोस्पर्म का उदय बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है हटके और वे जिम्नोस्पर्म की पत्तियां खाते थे उसके सीड खाया करते थे पहले सीड प्लांट पहली बार जिस प्लांट में सीड लगा वो थे जिम्नोस्पर्म फिर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर के गायब होने का सडनली डायनासोर खत्म हो गए अर्थ से डायनासोर के गायब होने के कई सारे थ्योरी है कि कुछ कुछ कहते हैं कि बाहर से जो है वो कुछ है वो आ, हम कहते हैं कुछ जो है वो कॉमेट्स आके गिरे कुछ जो है वो धूमकेतु आके गिरे उससे ऐसा हो गया कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज से ऐसा हुआ कुछ लोग साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि का टाइप चेंज हुआ मतलब जिम्नोस्पर्म के इस काल में जब जुरासिक काल में जिम्नोस्पर्म जो है वो पूरी धरती पर प्रेजेंट था और उसके बड़े बड़े फॉरेस्ट प्रेजेंट थे तब एंजियोस्पर्म का भी उदय हो चुका था और एंजियोस्पर्म जो है वो अधिक सक्षम था और धीमे धीमे एंजियोस्पर्म ने जिम्नोस्पर्म को रिप्लेस करना शुरू किया और एंजियोस्पर्म जो है वो डायनासोर के लिए बेहतर फूड नहीं था

चलिए तो मतलब यह कहानी में जो है वो एक हाँ पर हमने डायनासोर को यहाँ पर लेके आए और हमने बता रहे तो आज हम जो है उन जंग उन पौधों की बात कर रहे हैं। जिनके समकालीन किसी जमाने में डायनासोर रहे होंगे ठीक है

अब कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी है जिम्नोस्पर्म की जो आपको अच्छे से बेटा याद रखनी है नंबर एक दे आर दी मोस्ट प्रीमेटिव सीड प्लांट ये सबसे प्राचीनतम सीड प्लांट दे आर दी मोस्ट प्रीमेटिव सीड प्लांट के मतलब ये समझ लीजिए कि इनसे पुराना कोई सीड प्लांट नहीं है क्योंकि पहली बार सीड का उदय इनमें हुआ था लेकिन गलती मत करना अब

फर में फर में रेमेंटा क्या होता है और इंडूसियम क्या होता है और फर में सोराई क्या होता है ठीक है तीन चीजें हुई सोराई क्या होता है क्लियर ठीक है आपको बताना है कि सिलेजिनेला में राइजोफोर क्या होता है व्हाट इज द राइजोफोर इन सिलेजिनेला में आपको बताना है राइजोफोर क्या होता है ठीक है क्लियर चलिए तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे जो मैंने आपको आ, एक आपका एक्स्ट्रा स्टोक लेक्चर लिया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था उसमें हमने इन चीजों को डिस्कस किया हुआ तो अभी इतना रखिए कि बीज प्रकृति के उदय का मतलब था कि फीमेल गेमिटोफाइट कुछ समय तक जो है वो प्लांट से स्पोरोफाइट से जुड़कर रहता है ऐसा टेरिडोफाइटा में था लेकिन फाइनली फीमेल फीमेलोफाइट बाहर निकलकर जमीन पर आ जाता है और उस तो कंडीशन निर्मित हो चुकी होती है और हेट्रोस्पोरिजी फर्स्ट स्टेप याद रखना वो में डेवलप हो चुकी थी फर्न होता है होमोस्पोरस तो पहली बार बीज का विकास हुआ था किसमें बेटा जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा जब वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा तो espermitophita का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनमें सीड लगते हैं स्पर्मेटोफाइटा देखो बेटा बायोलॉजी में स्पर्म वर्ड का मतलब जो है वो है सीड बायोलॉजी में बॉटनी में नॉट बायोलॉजी बॉटनी बोलूंगा बायोलॉजी में तो बॉटनी जो दोनों आएगा अटके यहां पर बॉटनी में जब आप स्पर्म वर्ड यूज करेंगे सीड तो जिम्नो मतलब नेकेड स्पर्म मतलब सीड तो नेकेड सीडेड प्लांट क्या होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं क्लियर तो स्पर्मेटोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड लगता है उन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं ठीक है फर्स्ट फैनड्रोगेम्स जिनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं सीड लगते हैं याद रखिएगा फ्लावर जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है लेकिन सीड होता है इसलिए फैनड्रोगेम्स में आता है एंजियोस्पर्म के अंदर सीड भी होता है फ्लावर भी होता है ठीक है फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट के हमेशा नहीं, तो नहीं होता है, इन में जो है, वो जाते है। इन में ना ओवरी होती है, है अरेंजमेंट फ्लावर का आपको में देखने मिलता है वैसा फ्लावर होता है बस बट फिर भी ये फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप के साथ में रखे जाते हैं क्योंकि ये फेन्ड्रोग से इनमें सीड बनता है ठीक है याद रखिएगा याद रखना बेटा इनमें ओवरी नहीं होती जो भी जो आप देखो ओवरी और ओविल का क्या कनेक्शन है मैंने आपको बताया था एक ओवरी में कई सारे ओविल होते हैं है ना इसीलिए एक फल में कई सारे बीज होते हैं फर्टिलाइज ओवरी होती है फ्रूट फर्टिलाइज ओवरी होती है फ्रूट ठीक है बेटा जो ओवरी फर्टिलाइज होती है वो फल बन जाती है और फर्टिलाइज ओविल होता है सीड फर्टिलाइजेशन के बाद में ओविल कन्वर्ट होता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के जब एक ओवरी के अंदर कई सारे ओविल होते हैं तो उन ओविल के अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं ये कहाँ पड़ा हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लान में पड़ा हुआ है उन्हें क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्लासेंटेशन कहते हैं तो प्लासेंटेशन जो होता है बेटा वो ओविल का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर तो एक ओवरी में कई में एक या कई सारे ओविल हो सकते हैं इसलिए आप देखेंगे एक फल में एक या कई सारे सीड हो सकते हैं ठीक है लेकिन ये जो ओवरी है ये इसका विकास केवल और केवल एनजोस्पर्म में होता है जो जिम्नोस्पर्म में उनमें ओवरी नहीं होती है इसका मतलब फल नहीं होता है लेकिन बीज होता है तो आर दी सीड्स आर नेकेड सीधे बीज लगते हैं तो नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं ठीक है ओवरी बट प्रेजेंट तो इसलिए इनमें सीड फॉर्मेशन तो होता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है और चूंकि इनमें फल नहीं बनता है इसलिए हम बोलते हैं कि दी आर दी नेकेड सीडेड प्लांट याद रखिएगा ठीक है इनमें जो ओविल होता है वो सीधा माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर मेगा ओविल जुड़ा होता है देखो बेटा जो अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ये ओवल क्या होता है इंटेगुमेंटेड मेगा एस्पोरेंजिया। अब देखो बेटा मेगा एस्पोरेंजिया क्या होती है तो हम कई बार बता चुके आपको कि मैंने कहा ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर बनता है उसे मेगा स्पोर फिल कहते हैं क्लियर तो ऐसी मेगा स्पोरजा जिसमें एक इंटेगुमेंट होता है अध्यावरण होता है जो कवर होती है उसे हम ओविल कहते हैं तो ओविल इज नथिंग इट इज एन इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरजिया जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है

पहली बार नाम के ने जो है वो इन्हें कहा कि ये ऐसे प्लांट है जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनमें वेस्कुलर बिंडल्स होते हैं तो इन्होंने इसको एम्ब्रियोफाइटा में और ट्रेक्योफाइटा में रखा इक्लर ने देखा कि इनके अंदर सीड होते हैं इसलिए इन्होंने इसको जो है वो फेंड्रो के अंदर रखा इसको

आज मोस्ट ऑफ दिमोस्पॉम्स जो है वो फॉसिल के रूप में है दे बिकम फॉसिल इतने अधिक क्योंकि कारण कि जमाने में सबसे अधिक यही फैले हुए थे और बाद में डोमिनेट किया और इनको रिप्लेस कर दिया तो ये मर गए और ये अधिकांश फॉसिल में कन्वर्ट हो गए जनरली ये बहुवार्षिक होते हैं सदाबहार एवरग्रीन होते हैं कास्टी वुडी होते हैं जब मैं बोलता हूं कोई प्लांट वुडी है मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलती है सेकेंडरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी जाइलम ही वुड होता है देखो इसीलिए बेटा मैं प्लांट किंगडम आखिर में पढ़ाता हूं यदि मैं आपको पहले प्लांट किंगडम पढ़ा दूंगा ना तो प्रॉब्लम के मतलब ब्रांच होते हैं जीरोफिटिक ट्री होते हैं जीरोफिटिक मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है धसे होंगे थिक क्यूटिकल लेयर देखने मिलेगी है ना बेटा वो जीरो प्लांट जो वाटर लॉस को कम करने वाला फीचर है वो देखने मिलेंगे हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी कोई भी जिम्नोस्पर्म आपको जो है वो वार्षिक शाख के रूप में देखने नहीं मिलेगा आपको कोई भी आपको जो है वो वार्षिक शाख के रूप में आपको देखने नहीं मिलेगा आपको एनुअल हर्ब के रूप में आपको देखने ये नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी जिम्नोस्पर्म नहीं है जो आपको जो है वो एनुअल हर्ब के रूप में जो है आपको देखने मिल जाएगा आपको ठीक है क्लियर ठीक तो हमने क्या बोला हमने कहा कि नेवर प्रेजेंट इन दी के। मैन प्लांट बॉडी की क्या होती है होती है। इस वर्ड का सिंपल सा मतलब देखने मिलता है ठीक है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है सेक्वाड के सेक्वाड समझ दुनिया का सबसे बड़ा ट्री वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री जो है वो सैक्वाड क्टाओ कैलिफोर्निया में आपको बड़ी संख्या में देखने मिलते हैं और ये जो है दे आर प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया और आपको तो ये 400 फीट तक लंबे होते हैं रेडवुड ट्री बोलते कॉमनली ये 400 फीट तक लंबे होते हैं इसके 400 फीट बहुत बड़ा आग़ा आग़ा आप समझ लीजिए कि एक uh, तकरीबन 35 से लेकर 40 मंजिला ऊंची बिल्डिंग 35 से लेकर 40 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग जो है उतने बड़े होते हैं ठीक है क्लियर और सबसे छोटा जिम्नोस होता है जेमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म के अब ये सबसे बड़ा जो सेक्वा है वो हमें पता होना चाहिए किस तरह का होता है देखिए अब आप आपके आपको मैंने एक इमेज दिखाया मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया आपको कि सेक्वा जो है वो कितना बड़ा ट्री है ये फोटोग्राफ जो है वो कैमरा ऊंचा करके लिया गया नीचे से खड़े होके लेकिन इस फोटोग्राफ से हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है पर कितना बड़ा है इसको हम समझने के लिए एक दूसरा इमेज देखते हैं में हुए है तो है है? फिट, 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 और ये कितना है चार सौ फिट आप लगा लीजिए अंदाजा के कितना बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है एंड दीज आर दी लार्जेस्ट प्लांट क्रिएचर के पौधे में ऐसे पादप जगत में सबसे बड़े कोई जमीन पर दिखाई पड़ते हैं वह सेक्वाट्री देखिए आप इतना लंबा है कि बीच में से एक जो है सड़क निकल गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बीच में से पेड़ के बीच में सड़क बना दिया रोड दिखा दी आपने ये पेड़ मरा क्यों नहीं अब इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा चुका हूं मैं आपको एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा चुका हूं और आपको पता होना चाहिए कि ट्री के वृक्ष के सेंट्रल सर्ड्रिकल पार्ट में होती है क्या होती है हार्डवुड होती है ठीक है हार्डवुड डेड सेकेंडरी जैलम से बनी होती है ठीक है तो वहां पे क्या होता है इसीलिए जो है वो ये जो हिस्सा है उस डेड वाले हिस्से को उनसे मेरे से उन्होंने रोड को बना दिया इसलिए जो है वो आ... इसलिए क्या है बेटा इसलिए जो है वो पेड़ जिंदा रह गया वो तो अब बाकी कंडक्शन कैसे साइड से पूरा बाकी कंडक्शन जुड़ा हुआ है तो ऊपर का कंडक्शन सारा मेंटेन रह गया पर बीच वाला हिस्सा निकालने पेड़ की मृत्यु नहीं होती है ठीक है होलो हार्डवुड वाला प्लांट जो है वो मरता नहीं क्योंकि कॉर्नर में कंडक्शन चल रहा होता है होती किनारे पर होती है बीच में होती है हार्डवुड ठीक है ये सब कुछ एनाटॉमी में बड़ा हुआ है क्लियर आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेक्वा ट्री को आप देखिए कितना बड़ा ट्री है कि इसका साइज देख के जो है वो यू जेनेटिक ट्री क्लियर अब बात करते हैं लिविंग फॉसिल प्लांट जिंको जो आज भी हमको देखने मिलता है, दुनिया का सबसे पुराना सीड प्लांट जिसके अंदर बीज लगता है जो आज भी जीवित है है जिंको बाइलोबा इसे मैडन है ट्री कहते हैं के, इसके अलावा साइकस को सेगोपाम कहते हैं बेटा मेटासे क्रिसमस ट्री होता है मेटासे क्या होता है क्रिसमस ट्री होता है ठीक है है ना तो ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट है जिंको बायलोवा और इंटरेस्टिंग बात है कि जिंको बाइलोवा आज यदि बचा हुआ है ना आज ये बचा हुआ है और आज भी प्रेजेंट है इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो क्रिश्चियनिटी है उसने इसको सेव किया है यानी आज से कई सौ वर्ष कई हजार कई सौ वर्ष पहले से हम बात करते आ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये प्लांट संख्या में कम होने लगा धीमे धीमे ये प्लांट खत्म होने लगा लेकिन जो है क्रिश्चियन में इसको चर्च के बाहर लगाना पवित्र माना जाता है इसकी देख करना करना अच्छा माना जाता है तो ड्यू टू द रिलीजन कई बार रिलीजन से बहुत अच्छे आउटकम निकल के आते हैं तो क्रिश्चनिटी में के चलते जो है वो इस प्लांट को सेव किया गया और आज भी हमको ये देखने मिलता है ये सच्चाई है और इस प्लांट को कहा जाता है कि ये ऐसा प्लांट है जो व्यक्ति को जो है वो आयु प्रदान करता है ऐसा माना ऐसा बिलीफ है लोगों का आज भी यूरोप में लोग मानते हैं दिस इज द द प्लांट दैट दैट इंक्रीज इंक्रीज योर लाइफ लाइफ जीवन को बढ़ाने वाला प्लांट है ये ठीक है पिछली क्लास में हमने संजीवनी बूटी की बात की थी तो मैंने आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानी सुनाई थी अभी मैं आपको क्रिश्चियंस के बारे में बता रहा हूं कि वो इस प्लांट को सेव किए और वो मानते भी हैं कि ये आयु बढ़ाने वाले पौधों में से एक होता है ठीक है बुरी बलाव को टालने वाले पौधों से होता है बहुत सही और आपको बता दूं मैं कि इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इस बारे में क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू कमेंट ऑन एनी रिलीजन बट बट एक चीज है कि इंसान ने भी कुछ कुछ सोचा भी है और उससे बेहतर हुआ है दैट इज गुड गुड ऑलवेज के एंड आउटकम बेहतर है यदि आउटकम बुरा हो रहा है तो मतलब आपकी सोच ठीक नहीं है समझ करके यदि आप लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे तो बिल्कुल गलत बात है के, लेकिन आप धर्म के नाम पे कुछ सहज रहे कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप इट इज ऑलवेज गुड कॉम्पीट करना है ना यदि मैं कहता हूं दुनिया में यदि दो रिलीजन को आपस में कॉम्पीट करना दो या तीन धर्मों को कॉम्पीट करना है तो कॉम्पीट कैसे कीजिए आप अस्पताल बनाइए लोगों की सेवा कीजिए लोगों लोगों के तकलीफ को दूर कीजिए आपके लोगों के लिए कुछ अच्छा कीजिए लोगों को एजुकेट कीजिए पर्यावरण को बचाइए और जो जितना अच्छा करेगा वो उतना अच्छा रिलीजन ऐसा मान लेते हैं ये लड़के तो कोई कॉम्पिटिशन सामने आता नहीं है एक दूसरे की लकीर छुट्टी करने से काम नहीं बनेगा लकीर को बड़ा करना पड़ेगा है ना बेटा चलिए ये मेरे निजी के? जिम्नोस्पर्मिक एक प्लांट ऐसा जिम्नोस्पर्म होता, होता है वो है के इफेड्रा इज दी जिम्नोस्पर्म जो कि आपको झाड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है और ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसका तना अंडरग्राउंड होता है वो है जेमिया पिगमिया याद रखना एक एक ही होते हैं इसलिए इनके नाम बता रहा ना हूं तो ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसका तना अंडरग्राउंड होता है वो है जेमिया पिगमिया ठीक है चलिए ये देख रहे हैं हम जिंको बाइलोबा की लीफ देख रहे हैं आप चूंकि लीफ में आपको बकायदा साफ साफ दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं क्या दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं आपको जिंको बाइलोबा ठीक है ना और जिंको बाइलोबा आज जो है वो ब्रेन फंक्शन सपोर्ट कैप्सूल्स के आज मेडिसिन के फॉर्म में अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन के आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड हेयर बट मेरा पर्पज ये है कि ये जो पुराने प्लांट प्र, प्र, थे जिनको सहेजा गया है उनके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज थी जैसे हम बोलते हैं कि लोग घरों में तुलसी की पूजा करते हैं तुलसी को सेव करते हैं तुलसी के अंदर ओसीमम सैक्टम तुलसी, तुलसी के अंदर जो है साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ ऑसिमम सैंगटम तुलसी के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर होते हैं बहुत सारा उसका जो है वो मेडिसिनल सिग्निफिकेंस उसका ठीक है तो कहीं ना कहीं इंसान को यूटिलिटी मालूम थी उसने कोई दूसरा आप सोचिए कि आप देखेंगे गांव में होता है गांव में कई पेड़ लगे होते हैं कई सारे पौधे लगे होते हैं एक लगा होता है का पेड़ लगा होता है है लंबी सी डंडी होती एक अजीब सा फ्लावर होता है धतूरे लेकिन अब ऐसे कई सारे फूल लगे होते हैं धतुरे कैसे रंग का होता है अलग तरह का फ्लावर होता है, फ्ला है बेसरम बोलते हैं हमें नहीं मालूम रीजनल नेम कई कई होते हैं कई सारी गाजर घास लगती है अब किसी ने क्यों नहीं किया कि गाजर घास की पूजा करें चलो अपन है ना नहीं किया ना किसको किसको पवित्र माना तुलसी को किसको पवित्र माना जिनको को बाको हैव मेडिसिनल वैल्यूज और ऐसे ही यूनानी मेडिसिन में यदि आप इस जो है वो यूनान जाएंगे आप इस्लाम में भी देखेंगे देर आर लॉट्स ऑफ हर लॉट्स ऑफ थिंग जिनके बारे में उनको मालूम है ठीक है चलिए तो अब हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्रिसमस ट्री देखें मेटा की बात कर रहे हैं यहां पे हम

तो ऐसे कौन से स्पर्मेटोफाइटा तो जो आर्की होते स्पर्मेटो फाइटा जो स्पर्म आर्किक्स नहीं होते हैं सिस्टम जो होता है जो टैप रूट सिस्टम होता है वो डेवलप होता है इनमेंट के विकसित प्रकार का टैप रूट सिस्टम देखने मिलता है अब ये एक सिस्टम क्या है हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस चीज के ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और एक टैप रूट सिस्टम होता है ठीक है ना उसमें मेन रूट जो है वो सर्वाइव करती है लगातार ग्रो करती रहती है प्राइमरी रूट

सुरक्षा प्रदान करना ठीक है आसपास से सुरक्षा प्रदान करना वाटर के लॉस को कम करना ये स्केल्स का सूखी सूखी पत्तियां होती है इनका स्केल्स का काम होता है आप साइकस का तना देखना आपको स्केल्स देखने मिलेंगे पाइनस में स्केल्स देखने मिलेंगे आपको के और जो फोलियोस लीफ होती है आर बेसिकली ग्रीन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक दो तरह की पत्तियां देखने मिलती है इसमें हमको ठीक है जाइलम में वैसल्स और फ्लोएम में सीब ट्यूब और कंपनियन सेल नहीं पाई जाती याद रखिए जाइलम में वैसल्स नहीं होता है और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता है अब मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नीटम वेलविशिया एंड एफ्रीडा फैमिली नीटेसी ऐसी होती है वेलविशिया और फैमिली हो, होते, होते ऐसे प्लांट हैं जो जिम्नोस्पर्म जिनके अंदर आपको जाइलम वेसल्स देखने मिलता है देखने मिलता है। है याद के वेलविशिया, इनमें आपको जाइलम देखने में नहीं मिलेगा तके. फिर ट्रोकोडेंड्रसी टेक्ट्राट्रसी और विंट्रेसी ट्रोकोडेंड्रेसी टेक्ट्राट्रेसी और विंट्रेसी ट्रोकोडेंड्रेसी

उसी पर फोकस करना है रिकॉर्ड करना रिकॉल करना है खूब सारे एमसीक्यू लगाना है समझ गए चलिए, अब में सेल नहीं, नहीं होती है तो फिर क्या होता है भैया? में में होता है, सेल होती है फ्लोएम में सीव सेल होती है ठीक है कंपेनियन सेल की जगह पर एलबुमिन सेल देखने मिलती है याद आया कि नहीं आया है ना बेटा फटाफट फटा? है ना अब आप बोल रहे बोलोगे मुझसे कि सर एक आप प्लांट एनाटॉमी का टेस्ट ले लो ले लेता हूँ चलो ठीक है मैं आपका आपका जो है वो प्लांट एनाटॉमी का टेस्ट भी आपका ले लूंगा चिंता मत कीजिए उसके ठीक है लेंगे टेस्ट उसका भी फिर तने में दो प्रकार की वुड देखने मिलती जब से, जब तो अंदर जाइलम बनता है अधिक संख्या में बनता है तो अंदर का तनाव फूलता है और जो है सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है चौड़ाई बढ़ती है वृक्ष की, की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है और लंबाई बढ़ाने के लिए प्राइमरी ग्रोथ होती है बेटा है ना जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो दो प्रकार से ग्रोथ देखने मिलती है एक होती है बेटा एक होती है वुड होती है मैनोजाइलिक वुड मैनोजाइलिक वुड में पैरन कायमा अधिक संख्या में होता है जाइलम वेसल कम जाइलम ट्रैकिड ट्रैकिड कम संख्या में होते हैं वुड इज लेस कॉम्पैक्ट के ये वुड जो होती है वो लेस कॉम्पैक्ट होती है ऐसी वुड हमको साइकस में देखने मिलती है ठीक है साइकस में देखने मिलती है तो मैनोजाइलिक वुड जो होती है इसमें मोर पेरेंट होते हैं अधिक पेरेंट होता है तो ट्रैकिट दूर दूर होते हैं इसमें तो लेस कॉम्पैक्ट वुड होती है ये साइकस में देखने मिलती है हमको के और साइकस का ऑर्डर क्या होता है साइकेडल्स भूलना नहीं है एक एक वर्ड जो लिखा है ना आपके प्रेजेंटेशन में ये बहुत सोच समझ के छांट के लिखा गया है बेटा ताकि गलती ना हो गई है बेट के और आपको कम से कम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहे तो ये ऑर्डर साइकेडल्स के पिक्नोजाइलिक वुड का मतलब होता है ऐसी वुड होती है दैट इज दी मोर मोर कॉम्पैक्ट वुड लेस पेरेंट कायमा होता है और ये वुड आपको पाइनस में देखने मिलती है और पाइनस का ऑर्डर क्या होता है कोनीफेरेल्स पाइनस का ऑर्डर होता है कोनीफेरेल्स ठीक है ठीक है फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कौन या स्टूबलस में होते हैं याद रखना इस बात को कि मतलब जो मेल कौन होगा और फीमेल कौन होगा वो अलग अलग होते हैं मेल कौन माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा फीमेल कौन मेगा स्पोरोफिल से बना होगा मतलब कौन जो होते हैं वो मोनो होते हैं मतलब एक कौन होगा मेल कौन एक होगा फीमेल कौन अब ये कौन क्या बला होती क्या चीज होती है तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि स्पोरोफिल वे पत्तिया जिन पर स्पोरेंजिया जुड़ी होती है माइक्रो स्पोरेंजिया जुड़ी होगी माइक्रो स्पोरोफिल मेगा स्पोरेंजिया जुड़ी होगी मेगा स्पोरोफिल माइक्रो स्पोरोफिल जो है वो मिलके बनाएगी मेल कोन मेगा स्पोरोफिल बन बनाएगी फीमेल कोन क्लियर ठीक है और ये कोन जो होते हैं इनके पास में जो है वो स्पोरेंजिया है तो मतलब सेक्स ऑर्गन यही होते हैं ठीक है

की आर की में एक नेक किनाल सेल प्रेजेंट थी और, फीमेल आता है। और, याद वेरी, वेरी और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से के, गलती मत करना जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं क्या बोलते हैं उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं और ये चूंकि गेमिटोफाइट है तो क्या होगा ये हैप्लाइड होगा, के। तो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के कारण बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बनता है और वो ट्रिप्लाइड होता है तो बेटा एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल लो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो केवल और केवल रिजर्व फूड मटेरियल होता है और वो ट्रिप्लाइड होता है और ट्रिपल फ्यूजन

जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फीमेल गेमिटो है और ये हैप्लाइड होता है जबकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है रिजर्व फूड मटेरियल है और जो कि ट्रिप्लाइड होता है डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके परिणाम स्वरूप बनता है ठीक है क्लियर वेरी वेरी आईएमपी स्टेटमेंट ठीक है फिर सभी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो वायु परागण करने वाले होते हैं एनिमो फ्लिशो करते हैं याद रखिएगा एंड सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इज विंड पॉलिनेशन के सबसे प्राचीनतम विधि जो परागण की थी वो थी वायु परागण विंड पॉल्यूनिशन उसको एनिमोफिली कहते हैं तो याद रखना सारे के सारे जिमनोसपम जो है वो एयर पॉल्यूनिशन को शो करते हैं इनमें जो है वो एंटमोफिली ऑर्निथोफिली की पक्षियों से होने वाला परागण ऑर्निथोफिली है कीट से होने वाला एंटमोफिली है चीटियों से होने वाला मिर्मेकोफिली है चमगादर से होने वाला कारेप्ट्रोफिली है ठीक है घोंगे से होने वाला मैलेको है सांप से होने वाला ओफियो है दूसरे एनिमल से होने वाला जू है समझ गए ना क्या क्या, क्या याद रखना है

प्लीज प्लीज आंसर मी दिस क्वेश्चन कि जब जब मेल तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन तो क्या बोलते हैं उसको हम क्या, बोलते हैं उस तरह के फर्टिलाइजेशन को जब फर्टिलाइजेशन में जल की आवश्यकता होती है और मेल गेमिट तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं ठीक है मीरो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब पूरा का पूरा जायगोट से बनने वाली हर कोशिका एम्ब्रियो को डेवलप करती है होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं ब्रायोफाइटा में पढ़ा था फ्यूनोरा में देखने मिलता है ठीक है और जब एक हिस्सा उसका जो है वो एम्ब्रियो को द, ज, को धकाने वाला सस्पेंसर बनाता है बाकी हिस्सा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है मतलब जायोड से बनने वाली कोशिकाओं में सेल्स में से कुछ हिस्सा एम्ब्रियो को आगे धकाने का काम करता है सस्पेंसर बोलते हैं कुछ हिस्सा एक्चुअल एम्ब्रियो में डेवलप होता है डेवलप होता है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को मीरो डेवलपमेंट कहते हैं ठीक है क्लियर आपको ये टर्मोलॉजी भूलना नहीं है ठीक है हो सकता है आपको कठिन लग रही हो हो सकता है आपको जो है लग रहा हो कि अरे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या क्या नहीं पढ़ा रहे बेटा मैं आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। के मतलब मेरे को जो है आपके आपके 360 आउट ऑफ 60 बायोलॉजी में चाहिए 720 आउट ऑफ 720 आपके मेरे को पीसीबी में चाहिए और आपको बायोमेंटर से टॉपर देना इटके. बहुत सारे देखो बेटा अभी है कि बहुत सहाने जब बायोमेट्रा से शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था अब कई सारे चैनल भी आ गए उसके बाद कॉम्पिटिशन में लॉट्स ऑफ चैनल जो कॉम्पिट करने की कोशिश करते हैं हमें इतना सा बता हैं कि, कि उन लोगों को लगता है कि वी आर यूट्यूबर्स बट वी आर, आर नॉट यूट्यूबर्स वी आर वी आर यूजिंग यू एज ए मीडियम के वी आर बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक है ऑनलाइन क्लासेस देख के तो आपको क्या करना है आपको हमको देखो रिजल्ट तो देना पड़ेगा तो हमको बेटा आपसे गुरुदक्षिणा चाहिए और ये आपने शपथ लिया और ये मेरे को वचन भी दिया हुआ आप माने चाहे ना माने कि ये वर्तन है अब हमारे आपके बीच में आपको भर भर कर पहुंचना मेडिकल कॉलेज के जरिए आई नीड टॉप रैंकर्स फॉर बायोमेट्रिक्स ठीक है बेटा चलिए पॉली एम्ब्रियोनिक जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन होता है बेटा के पॉली एम्ब्रोनी का मतलब ये है कि एक से अधिक एम्ब्रियो का सीड के अंदर होना व्हेन दी मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड सीड उसे पॉली एम्ब्रोनी कहते हैं बेटा के और सबसे कॉमन होता है और सबसे बड़ी बात ये यह यहाँ पे सबसे कॉमन जो पॉलि एम्ब्रोनी होती वो होती है क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी मतलब एक ही एम्ब्रियो के अलग अलग हिस्से टूट जाते हैं और उससे कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं इसे बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रोनी कहते हैं एक होती है बेटा एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी जिसमें कि कोई दूसरी सेल एम्ब्रियो के साथ बिहेव करती है उसमें एक्चुअल एम्ब्रियो से सेल नहीं टूटती कोई दूसरी सेल एम्ब्रियो के साथ बिहेव करती उस है उसे बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं याद रखना सिट्रस में भूलना नहीं मैं आपको तो यही तो बता सिट्रस एंजियोस्पर्म है सिट्रस एंजियोस्पर्म है इसमें आपको एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी देखने मिलती है इसमें आपको

प्लीज एक बार अपने आप को सोना समझिए तपने के लिए तैयार रहिए अपने आप के तैयार रहिए उसके लिए कि आपको आपको तपना है है जो अग्नि परीक्षा देनी तभी तो उभर कर बाहर निकलेंगे हीरा भी तराशा जाता है हीरे की कीमत कब होती है जब हीरे को तराशते हैं काली चट्टान होती है घसते हैं फिर चमकता है, निकलता नर्स घटके हीरा जो है तराशे बगैर उसकी अवैध मोल कम होता है केवल एक टुकड़े वैसा दिखाई पड़ता है के, कच्चा हीरा आप सबको भी तराशनी की प्रक्रिया से कष्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा बेटा ठीक है चलिए

जिम्नोस जिम्नोस मतलब नेकेड इस पर मतलब सीड क्लियर आर प्लांट्स

जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री टॉल ट्री और झाड़ियां आती है इसमें हर्ब शामिल नहीं होती याद रखना के इसमें मीडियम साइज से लंबे ट्री हो सकते हैं और झाड़ियां हो सकती है इसमें इस दी दी शर्ब जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसी फोटोग्राफ भी देखा इसका हमने ठीक है द रूट्स आर जनरली टैप रूट मैंने ये भी बताया था टैप रूट सिस्टम होता है प्राइमरी रूट सर्वाइव करेगी हमेशा और लेटर रूट्स निकलती रहेंगी उसमें रूट सिस्टम कहते हैं रूट इन अब देखो इंटरेस्टिंग बात की यहां पे बड़ा जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे आया बेटा ये इंफॉर्मेशन ये है क्या होता है साइकस में साइकस में कुछ जड़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल रूट से अलग होती है और इन रूट्स के अंदर क्या होता है ब्लू ग्रीन अलगी एनाबीना नॉस्टॉक पंक्ति फॉर्म नाम इसका है बेटा नॉस्टॉक पंक्ति फॉर्म एनाबीना ठीक है ऐसी ब्लूग्नल की जो है वो रूट में ग्रो करती हैं और ये रूट कोरल के फॉर्म की दिखाई पड़ती है, ग्रो करती है और इन्हें हम रूट बोलते हैं के, तो रूट्स इन समा फंगल ऐसे देखो अब देखो एक तो हो गया बेटा क्या हो गया साइकस में होगी किसी रूट रूट हो गई गए और पाइनस में एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि पाइनस में आपको माइक्रोइा कनेक्शन देखने मिलते हैं आपको के फंजाइस से कनेक्शन होते उसके बगैर वो ग्रो नहीं कर पाता प्लांट ठीक क्योंकि उसमें रूट हेयर्स नहीं होते समझन रहा है फंगल एसोसिएशन इन दी फॉर ऑफ माइक्रोइा जैसे पाइनस में आपको देखने मिलता है वही कुछ पौधों में जैसे साइकस में आपको स्पेशल तरह की रूट देखने मिलती है हम रूट कहते हैं जिनका संबंध नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू की साइनोबेक्ट्रास होता है और ये ब्लू की कौन सी होती है बेटा नाम याद रखना नाम नोट कर लेना एनसीईआरटी में नाम नहीं है इसका नॉस्टॉक के नॉस्टॉक फॉर्म सबसे कॉमनली आपको साइकस की कोरोलाइड रूट में देखने मिलती है और एनाबीना देखने मिलती है आपको ठीक है और सबसे कॉमन जो फंजाई माइक्रो में देखने मिलती है पाइनस के अंदर वो होती है बेसिडियो फंजाई ग्लोमस्ट के फंजाई होती है वो सबसे अधिक आपको यहां पर देखने मिलती है, है अनब्रांच और पाइनस में होता है ब्रांच ठीक है याद रखना साइकस का स्टेम जो होता है वो कॉर्डेक्स टाइप का होता है कॉर्डेक्स टाइप का होता है पाइनस का स्टेम जो होता है वो एक्स करेंट टाइप का होता है अब आप बोलोगे सर ये दोनों वर्ड के मतलब क्या है यदि आपने मेरा मॉर्फोलॉजी के लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं तो बेटा आपको याद आना चाहिए के। मैंने तीन प्रकार के ट्री बताए थे आपको एक मैंने कहा था कि पेड़ के टॉप सिरे पर क्राउन ऑफ लीफ होता है लेर But it's important to inform you. You should download bio BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. This is the Codex. Codex

लीफ सिंपल या कंपाउंड लीफ होती हैं पाइनस में सिंपल लीफ होती हैं साइकस में कंपाउंड लीफ होती हैं साइकस में पिनट लीफ परसिस्ट परसिस्ट फॉर इयर्स के साइकस में जो लीफ होती है वो कंपाउंड पिनटली पिनटली क्या होती हैं वो पिनटली कंपाउंड लीफ होती है बेटा और ये जो ये, 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 ये जो लीफ होती है ये लीफ जो है वो कई समय तक लंबा सर्वाइव करती है के. और साइकस इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री दी लिप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडोप्टेड टू विस्टेंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर दी दिन के तो जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियाँ होती हैं वे अपने वो तो एक्सट्रीम कंडीशन जीरोफिटिक कंडीशन को टॉलेट कर सकती है क्योंकि तो उनमें धसे हुए इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं सर्फेस एरिया भी उनका कम होता है कॉनिफर जो होते हैं वहां पर क्या होता है बटा निडल लेक लिप अब देखिए अब आप, आप बोलोगे सर जो समझ में बात आई साइकस आपको जो है ड्राई एरिया में देखने मिल जाएगा फुट के लेकिन फाइनस तो ऊंचाई पर पहाड़ पर ऊपर होता है तो एक्चुअली बेटा बहुत ऊंचाई पाइनस जहाँ होता है जहाँ कोनी फॉरेस्ट होते हैं वो काफी ऊंचाई पर होते हैं वहाँ कई बार बर्फ गिरती है और जहां पर बर्फ गिरती है वहाँ पर टोपोग्राफिक डेजर्ट वाली कंडीशन होती है यहाँ पे मतलब वहाँ पर जो है वो होता है कि टेम्परेचर इतना कम होता है कि प्लांट की फिज एकदम से कम हो जाती है और वहाँ पर लीफ जो होती है उस पर बर्फ जमा होकर कहीं इंसान हो कि अधिक वजन से लीफ टूट जाए तो लीफ कैसी होती है जो पाइनस की लीफ होती है वो डिडिल समय होती है बर्फ उसके ऊपर जमा हो नहीं पाएगा जैसे पीपल की पत्ती होती है चोरी होती है हमारी जो बनियान ट्री है पीपल का बर्गर के बड़ी पट्टी पत्ती चोड़ी होती है उस पर बर्फ गिर जमा होगी तो लीफ प्रेशर वजन से लीफ टूट सकती है यहाँ पे लीफ नीडल के समान होती है लीफ में थिक क्यूटिकल होता है धसु एस्टोमेटा होते हैं जो वाटर लॉस को कम करते हैं ठीक है जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पर्स होते हैं बेटा इनमें हैप्लाइड माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं के याद रखना एनसीआरटी पढ़ रहे बेटा हम के प्योर एनसीआरटी अभी समय ठीक है कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं जो होते हैं वो होते हैं। दो तरह के स्पोर होते हैं स्पुरंजा में बनते हैं बेटा और ये स्पुरंजा स्पोरोफिल पर लगी होती है ठीक और ये अरेंज होकर क्या माते हैं तो कोन माते हैं अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पाइनस में, में मेल कौन होता है और फीमेल कौन होता है माइनस के पास मेल कोन भी होता है फीमेल कोन भी होता है मेल कोन माइक्रो स्पोरोफिल से बना होता है फीमेल कोन मेगा स्पोरोफिल से बना होता है साइकस में भी मेल कोन होता है पर साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है केवल मेल कोन होता है साइकस का मेल कोन प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा मेल कोन है पूरे प्लांट किंगडम में इससे बड़ा मेल कोन नहीं होता है जो साइकस में टिके डिस्ट्रोबलाई बेयरिंग माइक्रोस्प्रोफेल और माइक्रोस्पंजा उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजेट और मेल स्टोबलाई बोलते हैं मेल कौन बोलते हैं क्या बोलेंगे mal mal कहेंगे इसको बेटा ठीक है डेवलप होकर मेल गेमिटोफाइड मारते हैं बेटा है जो हाईली रिड्यूस होता है और ये इसमें गिनती की सेल होती है और ये जो मेल गेमिटोफाइड होता है ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है यहाँ पे फ्री लिविंग गेमिटोफाइट नहीं होता है

ठीक है तो फीमेल कॉन किससे बना होता है ये ये मेगा स्पोरोफिल से बना होता है मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया होती है और यहां पर जो मेगा स्पोरेंजिया होती है वो इंटेगमेंट से घिरी होती है उन्हें हम ओव्यूल कहते हैं तो पहली बार ओव्यूल वर्ड का यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है दीमेल कॉन और स्टोबराइट मे बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट याद रखिए पाइनस होता है मोनोसियस पाइनस होता है मोनोसियस मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं पर साइकस होता है साइकस होता है के आप याद रखना बेटा पाइनस और साइकस के डिफरेंस में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं किसने पता होना चाहिए कि जहां नCIT, जहां एनसीआरटी जहां जहां बता रहा वहां पर बेटा हमने क्या बोला हमने कहा कि देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन ये छिपी एनसीआरटी में

फीमेल कौन साइकस में नहीं होता है ये बात यहां पे छिपी हुई लाइन के अंदर दिस इज द हिडन इंफॉर्मेशन ठीक है द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ दी सेल ऑफ द न्यूसेलस के आप जो ओव्यूल के अंदर मेरी बात ध्यान से सुन के ओव्यूल के अंदर जो इनिशियली जो टिश्यू भरा होता उसे है उसे न्यूसेलस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे कहते हैं न्यूसेलस की एक सेल जो होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है मेगा स्पोर मेगा बनेगा मेगास्पोर फीमेल फीमेलोफाइट एंडोस्पर्म को प्रोड्यूस करेगा न्यूसिलस इनवेल से घिरा होता है बेटा और इससे बनता है उसका ओविल के तरीके मतलब ओविल में क्या है ओविल में ये मैंने कहा ये ओविल में जो है वो ये इनवेलप है ये ओविल का ओपनिंग है इसका इनवेलप हो गया इसका ये ये इसका फ्यूनिकल हो गया ये ये इसका फ्यूनिकल हो गया बेटा ठीक है अंदर जो टिश्यू भरा होता है वो होता है

दी मेगा मदर सेल डिवाइड माइड्रोटिकली फॉर्म फोर मेगास्पोर के याद रखिएगा मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है म्यूटिक म्यूटिकली नॉट माइडो म्यूटिकली मैंने माइड्रोटिकली बोला गलती से म्यूटिकली के मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस करती है बटा को मदर सेल में म्यूसिस करेगा मेगा मेगास्पोर मदर सेल ने क्या म्यूसिस किया यहाँ पे और चार मेगास्पोर बने वन ऑफ दी द मेगा स्पोर इनक्लोज विदिन मेगा डेवलप केवल चार में से एक मेगास्पोर जो है वो डेवलप हो गया करता है वो एंडोस्पर्म या फीमेल गेमिटोफाइट का विकास करता है वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज विदेवलप इन टू मल्टीसोलर फीमेल गेमिंग टू फाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन के याद रखना जब मेगा स्पोर मदर सेल में होती है चार मेगा स्पोर बनते हैं एक मेगा स्पोर सर्वाइव करता है बाकी तीन डिजनरेट कर जाते हैं सर्वाइविंग मेगा स्पोर में लगातार माइटोसिस होती है लगातार माइटोसिस समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है और उससे जो है वो क्या होता है एक टिश्यू बनता है मांस बनता है और वो पूरे के पूरे ओविल के अंदर भरा जाता है उसे हम हाँ एंडोस्पर्म कहते हैं और उसमें से कुछ सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ की सेल होती है वहां पर आर की गुंजियां डेवलप होना शुरू होती है एक एक जो है वो ओविल के अंदर दो से लेके छू से लेके सिक्स आपको आर्किगोनिया देखने मिलेंगी ठीक है दी मल्टीसोलर फीमेलोफाइटोज के फीमेल गेमिटोफाइट मेगा स्प के अंदर हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहेगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए के। और याद रखिएगा जो ओव्यूल है वो हमेशा प्लांट से वो जुड़ा रहेगा इस समय इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सीड का फॉर्म मतलब जो फीमेल गेमिटोफाइट मेगा स्पेजम के अंदर प्रेजेंट रहेगा इसलिए हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि यहां पर जो है हमको सीड का डेवलपमेंट देखने मिलता है क्योंकि सीड क्या है सीड है फर्टिलाइज ओवल अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा फीमेल गेमिटोफाइट डू नॉट में जो जनरेशन डोमिनेट कर रही थी वो थी गेमिटोफिटिक जनरेशन टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेट कर रही थी लेकिन गेमिटोफिटिक जनरेशन भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में थी ठीक है लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर में जो है वो मेल मेल और फीमेल गेमिटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते दे रिमेन इन ऑन के ये के के अंदर पाए जाते हैं के। जो मेल गेमिटोफाइट जो, मेल, जो, गेमिटो जो गेंस है वो रिलीज होता है माइक्रोस्प्रुनजा से और ये एयर के थो थ्रू पहुंचता है कहाँ पर फीमेल इस, जो है वो स्प्रिंजा या मेगा स्प्रोफिल्ड में जो ओविल होता है वहां पहुंचता है याद रखिएगा जैसे हम पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ा हुआ था एंजोस्पर्म के अंदर कि में एंथर से पॉलनग्रेन निकलता है और स्टिग्मा पर पहुंचता है कार्पल के में जब पॉलिनी होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया से पोलग्रेन निकलेगा और वो मेगा स्पोरजा ओविल पर पहुंचेगा और ओविल में बाकायदा एक जगह होती है जिसे बोलते हैं पॉलिन चैंबर याद रखना भूलना नहीं कि

चेंबर जो होता है वो ओव्यूल में पाया, पाया, पाया बीच में खाली जगह होती है वहां पर ग्रेन जब जब पॉलिनेशन हो चुका होगा जब एयर थ्रूर थ्रू एयर पहुंच चुके होंगे तो वहां पर वह पॉलिंड इंतजार करेगा जब तक कि फीमेल गेमेटोफाइट पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए मतलब पॉलेन ग्रेन को ओविल पर पहुंचने के बाद इंतजार करना पड़ता है डेवलप होने का फीमेल गैमेटोफाइट का और इंतजार एक वर्ष तक का होता है पाइनस में दिस इज दी अराउंडलाइशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक का जो टाइम गैप है वो एक साल का होता है ग्यारह से लेकर तेरह महीने का होता है पाइनसमिट के और चार से पांच महीने का होता है साइकस में सोचिए द दॉलेंट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोस टूवर्ड्स दि आर्कीगोनिया पॉलन ट्यूब जो है वो मेलगेमिट करी करती है पहली बार पॉलन ट्यूब का विकास जिम्नोस्पर्म में होता है बेटा ठीक है और ये ओविल की तरफ के अंदर जो है वो आर्की में की तरफ में ग्रो करती है और ये क्या करती है वहाँ कंटेंट को रिलीज कर देगी और फर्टिलेशन करेगी फॉलोइंग फर्टिलेशन जाइगोड डेवलप इंटू एम्ब्रो जाइगोड एम्रो में डेवलप होता है बेटा और ओविल जो है वो सीड में कन्वर्ट आते हैं और ये सीड कवर्ड नहीं होते क्योंकि ओवरी नहीं होती है ठीक है क्लियर अब ये तो हमने बात की इसके बारे में ये तो हमने बात की कि हमारी एनसीआरटी में जिमनसम के बारे में क्या लिखा हुआ है ठीक है तो अब एक काम करते हैं हमने कई जगह पर पाइनस और साइकस पाइनस साइकस का जिक्र किया और NCIT पढ़ रहा तब भी मैंने आपको बताया तो एक काम करते कुछ इंपॉर्टेंट देखो मैं डिटेल में जाके पाइनस नहीं डिटेल में जाके साइकस भी नहीं पढ़ाऊंगा वैसी मेहनत काम्स अलग से जो देना है हमको, नीट, देना है तो नीट के अकॉर्डिंग के जो हमारे काम के पॉइंट है वो निकाल लिया हमने मतलब हमने दूध में से मलाई निकाल ली एक्सट्रैक्ट निकाल लिया उसको समझ लेते यहां पर क्वेश्चन बनता है ठीक है ऑर्डर पढ़ता है मैंने आपको ऑर्डर कॉनीफर से पाइनस सबसे कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड जिम्नोस्पर्म है जो आज भी आपको कॉनीफरस फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर आपको हर ऊंचे स्थान पे हर पहाड़ी स्थान पे आपको पाइनस देखने मिलेगा आपको के 105 स्पीशीज इसकी जो है वो प्रेजेंट दुनिया भर में देखी जाती है और सबसे अधिक डोमिनेटिंग जो है आपको नॉर्थन हेमिस्पेयर जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे आपको फॉरेस्ट देखने मिलते हैं और ये कॉनिफरस फॉरेस्ट करते हैं एंड शंकुधारी वन में जो मेन ट्री होता है वो पाइनस होता है और ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं पहाड़ों पर साढ़े सात हजार फीट फीट से ऊपर आपको देखने मिलते हैं कभी आप किसी हिल स्टेशन जाए कभी बेटा किसी हिल स्टेशन में जाना और यदि आपको पाइनस के ट्री अब आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और पाइनस के ट्री दिखना शुरू हो गए तो समझ जाना आप कि आप साढ़े फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं देखिए करके दार्जिलिंग में भी आप थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे आपको दिखाई पड़ेंगे बड़ी संख्या में तो इक्का दुक्का प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पूरे के पूरा फॉरेस्ट है आपको पाइनस का पूरा का पूरा कई सारे ट्री एक साथ दिखाई पड़े दर फॉरेस्ट के कोनी फ्रेस फॉरेस्ट शंकुधारी वन की बात करें वो आपको साढ़े सात हजार फीट से ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा ठीक है देखिए आप दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स के ये ट्री ये है पाइनस है इंडिया में पाइनस का, का जीनस की हमको देखने मिलती है और छह की छे के बड़ी के एक होता है पाइनस ना कोई दुबला पतला आदमी होता है उसको बोल बोलते हैं क्यों भाई क्या हो क्या क्या हो गया बीमार हो क्या चिलगोजा दिख रहे हो चिलगोजा पतला छोटा सा, सा पतला सा नट होता है ठीक है काजू होता है मोटा सा नट होता है बादाम बड़ा छोटा नट होता है खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता हालांकि लेकिन ये कि ये बड़ा न्यूट्रिशियस होता है के, बड़ा होता है अच्छा अच्छा इसमें अच्छा तो चिलगोजा और महंगा नट है के, मतलब बॉम्बे में दी बात तो इट्स एक्सपेंसिव नट तो चिलगोजा जो है सीड है इडीवल अब कोई पूछता आपसे कि पाइनस के सीड को यदि आप खा रहे हो तो क्या खा रहे हो एक्चुअली में यदि आप पाइनस के सीड को खा रहे हो तो एक्चुअली में आप एंडोस्पर्म खा रहे हो फीमेल फीमेलिटोफाइट में बहुत सारा फूड प्रेजेंट था एंडोस्पर्म। उसी थी। तो में उसका एंडोस्पर्म होती है, फिर पाइनस को चीड़, है, इससे चीड़ की लकड़ी मिलती है चीड़ वुड मिलती है जिसका इस्तेमाल रेलवे स्लीपर बनाने में करते हैं रेलवे की स्लीपर जो होते हैं बेटा वो उसकी लकड़ी जो है मजबूत लकड़ी होती है और कम वजन की होती है ताकि ट्रेन में अधिक वजन ना होने से क्या होगा इंजन को अधिक पावर लगाना पड़ेगा तो जो रेलवे के अंदर जो रेलवे स्लीपर बनते हैं ना जो जो आपकी सीट बनती है उसको बनाने में जो वुड वुड यूज करते हैं वो चीड़ होती है पाइनस से मिलती है ठीक है फिर पाइनस इंसुलिस को ब्लू कहते हैं पाइनस खासी पाइन कहते हैं आपके और पाइनस वैली चैना ब्लू पाइन है पाइनस इंसुल खासी पाइन है पाइनस अरमंडी अरमंडी पाइन है पाइनस मरकुसी मरकुस पाइन है लेकिन शुरू के ऊपर के दो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है पाइनस जियाडना पाइन पाइन एंड पाइनस है है चीड़ ठीक फिर पाइनस का ट्री जो होता है वो पिरामिडिकल शेप का होता है एक्सकरेंट ट्री बोलते हैं जीरो नेचर का होता है, एक्स करेंट होता है है एक्स क्रॉनिकल शेप का होता है और इसके पीछे कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है यह बताओ मेरे को चलो अभी मैं आपके जो है पूरे के पूरे दिमाग के तार हिलाता हूं आपको बताने के विच फाइटो हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल जिससे प्लांट पिरामिडिकल शेप बनता है या एक्स एक्सकरेंट बनता है बताइए रूट में माइक्रोजा होता है दो तरीके आप देखो ये मेन मेन ट्रंक है ये ट्रंक हो गया इसका पाइनस का ये मेन ट्रंक हो गया ठीक है मान लिया मेन स्टेम हो गया अब इससे निकलती क्या इससे निकलती ये ब्रांचेस ठीक है ये ब्रांच ठीक है दूसरा ब्रांच थोड़ा छोटा होगा इससे तीसरा ब्रांच इससे और छोटा होगा

शूट के ऊपर पाइनस की से लीफ लगी होती है समझ गए बात को बस इतना याद रखना है आपको तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जो बता बताना उतना है देखिए डायग्राम देखिए जो पाइनस का ट्री है उसमें लॉन्ग शूट होती है जिसके सिरे सिर परिस्टेम होता है लगातार ग्रो कर रही होती है उस लॉन्ग शूट के ऊपर डॉ शूट होती है इस पर ग्रीन लीफ लगी होती है लॉन्ग शूट में केवल और केवल स्केली लीफ होती है डॉफ शूट में फोलियस लीफ भी होती है और स्केली लीफ भी होती है ठीक है ग्रीन फोलियस लीप होती है वो निडिल के समान दिखाई पड़ता है और निडिल सेप की लीफ को भूलना नहीं यहाँ पर क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी को कनेक्ट भी करता है के जो ग्रीन जो निडल के समान लीफ होती है बेटा उसके लिए एक वर्ड यूज एसिकुलर लीफ के एसिकुलर लीफ ठीक है एसिकुलर मतलब निडिल शेप ठीक क्रौ, के आता बार के, इसी कुलर लीफ है कई बारिकुलर लिप कहते हैं आप देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं आपको लॉन्ग शूट दिखाई पड़ रही है जो लगातार करेगी, आपको शूट, देख रहे हैं, शूट पर स्केली दिख रही है आपको उसके ऊपर लगे हुए हैं और नीडल्स क्या होते हैं ग्रीन फोटो सिंथेटिक होते हैं ठीक है क्लियर फिर डॉ शूट विथ ए ग्रुप ऑफ नीडल्स क्या कहलाता है फोलियर इस प्रकार रखे यानी ड्वार्फ शूट को ड्वार्फ शूट को ड्वार्फ शूट को और निडल्स को आप एक साथ क्या बोलोगे एक साथ आप बोलेंगे इसको इस पर इसके लिए एक साथ आप इस पर वर्ड का यूज करेंगे ठीक है ना और इसके अंदर नंबर ऑफ निडल्स है अलग अलग स्पीसीज में जो निडल्स की संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है ठीक है पाइनस होता है मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में अलग अलग कोन में पाए जाते हैं मेल कोन जो है वो बना होता है माइक्रोस्पोरोफिल से और फीमेल कोन बना होता है बेटा मेगास्पोरोफिल से तो ओव्यूल आपको मेगास्पोरोफिल में देखने मिलते हैं और पोलन से आपको माइक्रोस्पोरोफिल में देखने मिलते हैं ठीक है क्लियर फिथ ऐसे कौन से फीचर हैं जो बताते हैं कि पाइनस जीरोफिटिक हैबिटेट को मरुस्थली प्रकृति को शो करता है कि नंबर एक पत्तियां इसकी नैरो होती हैं और ये नीडल के समान शेप की होती हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो सके इनके ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है ताकि वाटर का लॉस कम हो सके स्टोमेटा धसे हुए होते हैं एपिडर्मिस में स्टोमेटा धसे हुए होते हैं वाटर का लॉस कम हो सके ठीक और स्किल जो होती है वो भी वाटर के लॉस को रोकने में हेल्प करती है और म्यूजोफिल सेल जो होती है उनमें कई सारी पैग लाइक इनग्रोथ देखने मिलती है म्यूजोफिल सेल जो है वो अपनी को काफी कॉम्पैक्ट कर लेती है ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके यहाँ पे ठीक है तो ये भी सारे फीचर क्या है ये फीचर है हैबिटेट को शो करते हैं ठीक है ये देख रहे हैं हम एक पाइनस को है ना देखिये आपने इसके को लाइस सिंपल तरीके से समझिए जो पढ़ा है ना मैं वही सब कुछ इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है केवल क्या होता है बेटा कई क्वेश्चन है होते हैं जो पाइनस के नाम से एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे पर आप घबराना मत वहां पर आप देखना कैसे बनते हमने यहाँ फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट के पाइनस का जो स्टेम होता है उसमें आपको कॉर्टेक्स के अंदर रेजिन कराना देखने मिलती है आप यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइनस के स्टेम के कॉर्टेक्स में रेजिन कराना होती है उससे मिलता है रेजिन और रेजिन का इस्तेमाल करते हैं हम तारपिन का तेल बनाने में टर्पन ऑयल बनाने में टर्पनटाइन ऑयल रखिए पाइनस से जो के कॉर्टेक्स में रेजिन करा होती है रेजिन मिलता है और रेजिन का इस्तेमाल हम तारपिन का तेल बनाने में करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल पोतने में कई जगह इस्तेमाल करते हैं पोतने में पेंट में मिलाने में काम करते हैं यूज करते हैं इसको ठीक है मेल कोन जो होता है उसको हम मॉडिफाइड डॉर्फ शूट मानते हैं नहीं? जो मेल कोन होता है उसको मॉडिफाइड डॉर्फ शूट मानते हैं ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से एंड लॉन्ग शूट पर लॉन्ग शूट पर जिस पॉइंट से डॉर्फ शूट निकलती है जिस जिस ग्रोथ पॉइंट से डॉर्फ शूट निकलती है वहीं से मेल कोन निकलता है तो उसको हम उसका

ठीक है मतलब एयर पॉल्यूनिशन होना है तो एयर पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिंग होते हैं आप क्या क्या फीचर होना चाहिए देखो पड़ा हुआ मिनट के एयर पॉलिनेशन के लिए पॉल्यूनग्रेन में क्या होना चाहिए एक तो बड़ी संख्या में रिलीज हो वेस्टेज बहुत होगा भाई प्रकृति ने एंजोस्पम ने इंसेक्ट पॉल्यूनेशन को डेवलप किया बर्ड पॉल्यूनेशन को डेवलप किया ताकि एनिमल को जो खाना है खाए और पराक्रम को पहुंचा दे अदरवाइज एयर पॉल्यूनिशन की दिक्कत क्या है एयर पॉल्यूनिशन में ह्यूज क्वांटिटी में पोलोगिन छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं ना हवा कैसे जाने एयर को कैसे एयर तो एबायोटिक फैक्टर से नहीं मालूम है कि कहां पॉलिंग लगेगा हवा जिस दिशा में बह रही पराकड़ वहां चले गए इंसेक्ट को मालूम है कि इस फ्लावर में खाया उसने अगले फ्लावर में खाने जाना है उसको फूड तो यहां से पॉलिंग को वहां शिफ्ट कर दिया उसने तो उसके उसका उसने डायरेक्शनल काम किया तो असल में जो है जब भी कभी एयर पॉल्यूनिशन होता है तो वहां पर एक तो बड़ी संख्या में पोलियन रिलीज करने पड़ते हैं जब पाइनस के पॉलोन पाइनस कहां होता है पाइनस कोनी फॉरेस्ट में आता है और ये कॉनी फॉरेस्ट पहाड़ पर ऊंचाइयों पर होते हैं और वहां से पॉलिंग्रेन नीचे की ओर उड़ गिरते हैं उड़ते हैं हवा में तो इतनी बड़ी संख्या में निकलते हैं कि आपको पूरा नीचे से यदि आप जमीन से नीचे से देखेंगे ना आपको येलो कलर का बादल दिखाई पड़ेगा लिटरली आपको येलो कलर का बादल दिखाई पड़ेगा और उसे बोलते हैं ऑफ सल्फर शॉवर के वो शॉवर नहीं है वो वो पॉलेंग्रेन्स है और इतने खतरनाक होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो एलर्जिक है वो इसके संपर्क में आ गया ना तो उसको खतरनाक एलर्जिक रायनाइटिस होती है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और नाक बहने लगती है कई सारी छीके आने लगती है खांसी हो जाती है उसको और चेस्ट में इन्फेक्शन भी सीवियर कंडीशन में देखने मिलता है यहाँ पे तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है उसे हम हे फीवर कहते हैं क्या बोलते हैं हे फीवर एच ए वाई हे फीवर कहते हैं उसको ठीक है मैच्योर माइक्रोस्पोर जो होते हैं इसमें दो डबल लेयर वॉल होती है आउटर थिक एक्जाइन और इनर लेयर थिन एंटाइन होती है एक्साइन जो होती है वो वलून लाइक विंग में आती है वलून के, ताकि वो पराक्रम हल्का होकर हवा में उड़ सके विंग्ड पॉलिड मतलब ये कि पाइनस के विंग्ड होते हैं पंख वाले होते हैं एयर पॉलिशन होता है बड़ी संख्या में निकलते हैं येलोइश कलर के होते हैं इसलिए सल्फर शावर कहते हैं इसको हम ठीक है जब माइक्रोस्पोर निकलता है तो वो फोर सेल स्टेज का होता है कंप्लीट मेलगेमिटोफाइड जो है वो सिक्स सेल का होता है याद रखना इसको ठीक है देखिए ये आप देख रहे हैं आप मेल कोन देख रहे हैं ये पाइनस में आपको मेल कोन दिखाई पड़ रहा मेल कोन, ठीक है देखिए आप है ना पाइनस के अंदर आप ये देख रहे हैं मेल कोन आपको दिखाई दे रहा है ठीक है और ये आप देख रहे हैं इसका माइक्रोस्पोर और ये दिख रहे हैं आपको विंग्स ये आपको इसके विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं ये पाइनस का माइक्रोस्पोर है

जो न्यूसिलियस होता है उसके अंदर एंडो फीमेल का विकास होता है अंदर जो ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस है उसकी एक सेल मोडिफाइड होती है मेगास्पोर मदरसेल में आती है मेगास्पोर सेल में होती है म्यूसिस उससे मेगास्पोर बनता है एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है और वो डिवाइड करके फीमेल गेमिटोफाइड में आता है और फीमेल गेमिटोफाइड जो है उससे हम एंडोस्पर्म कहते हैं उसमें दो से छह तक आर्की होती हैं आर्किगोनिया में नेक किनाल सेल नहीं होता है ठीक है देखिए आप ये देख रहा है आपको इसका फीमेल कौन पाइनस का ये फीमेल कौन है ठीक है बेटा देखिए ये होगा आपने ये बूढ़ी डेवलपमेंट है दार्जिलिंग के आसपास रहते हैं ऊंचाई पर रहते हैं वो ऐसे, ऐसे चीज होते हैं ये है, फीमेल कौन होता है फेक पॉली एम्ब्रॉनी क्लीवस पॉली एम्ब्रॉनी कॉमनली देखने मिलती है पाइनस के अंदर एम्ब्रियो के। कई हिस्सों में बढ़ जाता है और एक्चुअली में एम्ब्रियो के हिस्से होते हैं और पाइनस का जो सीड होता है वो ओवली फेस्कल्स स्केल्स क्या होता है बेटा एक्चुअली क्या होता है कि पाइनस में जो मेगा स्पोरोफिल होती है वो ऐसी होती है ये पाइनस की मेगा स्पोरोफिल है ठीक है इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है ये कहलाता है ओवली फेरस स्केल ठीक है और ये निचला उभार कहलाता है इसका ब्रेक्ट स्केल ठीक है इसके ऊपर लगे होते हैं ओव्यूल है, है, है इसके ऊपर ये लगा तो मेगा स्प्रोफिल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और मेगा स्प्रोफिल में दो ओव्यूल लगे होते हैं दो होते हैं ठीक है दो ओव्यूल लगे हुए उसमें ठीक है अब होता क्या है कि जब पॉलिटिशियन हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया उस समय जो फीमेल कोन है वो सूख जाता है ठीक है सूखने पे क्या होता है ये वाला हिस्सा ठीक है ये वाला हिस्सा कट जाएगा यहां से ये मैं आपको इसको दिखाता हूं यहाँ से कट गया यहाँ से कट लग गया इसमें ये कट गया ये हिस्सा ऐसे कट गया कट हो गया यह हिस्सा ठीक है मैंने कहा कट हो गया यह हिस्सा कट होने के बाद क्या हुआ कट होने के बाद ये आपको ऐसा बोर्ड के समान दिखाई पड़ रहा है आप ये ओवल फेस के बोर्ड समान दिखाई पड़ रहा है और ये कट होने के बाद क्या होगा क्योंकि सीड बन चुका है सीड है भी है ये सूख चुका है तो ये पलट जाएगा ऐसे पलट जाएगा कैसे पलट गए ऐसे पलट गया देखिए कितना मजेदार है प्रकृति में के ये ऐसे पलट गया ये, के गया ये इसके है ऐसे। ना तो ये भी सीड भी इसके उड़ते, उड़ते 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 आगे पहुंच जाएंगे के। तो सीड में भी विंग होते हैं और सीड के विंग किससे बने होते हैं ये ओवली से बने बेटा है कि नहीं मजेदार ठीक है अब जो पाइनस का जो सीड होता है वो भी तीन जनरेशन को शो करता है अब ये देखो ये सीड देखो आप ये सीड देख आपके दिस इज सीड, ये सीड है इसका ठीक है और ये ओवलीफ स्केल ये ओवलीफेस स्केल है इसका स्केलेट के, है ना तो इससे उड़ते हुए आगे पहुंच जाता है इससे क्या होता है सीड का डिस्पर्सल बड़े एरिया में हो पाता है तो लाइफ को आगे प्रोपोगेट किया जाता है ठीक है

मेल फाइट है, ठीक है क्लियर कई सारी पाइनस की प्रजातियां जो होती है वो बड़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है चिलगोजा

सर्सिनेटली क्वाइल्ड लीफ होती है जब लीफ यंग होती है तो सर्सिनेट क्वाइलिंग देखने मिलती है वॉच स्प्रिंग के समान फर्न में देखा था याद है आपको डायोसस प्लांट है मतलब मेल और फीमेल प्लांट साइकस के अलग अलग होते हैं ठीक है सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट लार्जेस्ट प्लांट किंगडम में इससे बड़ा मेलकोन कहीं देखने मिलता है. इसमें नहीं होता है, की जाती है के और सबसे बड़ा ओविल ने, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल कहीं पर मिलता है मतलब सबसे बड़ा सीड कहां बनेगा साइकस में बनेगा सबसे बड़ा ओविल जहां है वहीं सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओविल जो प्लांट किंगडम में हमको देखने मिलता है कहां साइकस में देखने मिलता है थीके? देखिए आप ये साइकस का ट्री देख रहे हैं आप देखिए आप केवल लीफ केवल सिरे पे क्राउन पे प्रेजेंट है तो क्राउन ऑफ लीफ प्रेजेंट है मतलब क्या है है बेटा कॉर्डेक्स प्रकार का प्लांट होता ठीक है देखिए आप है ना ठीक है क्रा, क्रा, क्राउन ऑफ लीफ और लीफ क्या होती है कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रही है आपको ये फिर आप साइकस का मेल मेलकोन देख रहे होते हैं और इसका जो आ, मेल गेमिट होता है वो मल्टी फ्लेज होता है जो एक्वाइटिक एंसेस्ट्री को शो करता है जो एक्वाइटिक एंसेस्ट्री को शो करता है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ अरे बेटा इतना मतलब हुआ कि इसके पूर्वज कभी वाटर में वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन करते होंगे कि भले ही पॉलन ट्यूब कैरी करे इसको ट्यूब जब मेल कैरी करती है तो मेल को फ्लजला की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन यहां पे फ्लेजा दिख रहे हैं हमको इसका मतलब ये 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 है कि टॉप टॉप से लट्टू के समान होता है मल्टी सीलेट होता है ये शो करता है हैल्टी सिलेट है लट्टू के समान है नॉट फिर मल्टी सीलेट है लट्टू के समान है मतलब ये शो करता है कि कहीं ना कहीं पूर्वजों की कुछ निशानी इसमें रह गई है है ठीक तो एक्वाटिक एंसेस्ट्री को ये शो करता है ठीक है देखिए आप ये इसका मेल कोन देख रहे हैं दिस इज मेल कोन ऑफ साइकस ठीक है और ये हम देख रहे हैं फीमेल कोन नहीं होता है बल्कि यहां पे क्या होता है हमको ये ऐसी ऐसी जो है वो मेगा की लीफ दिखने मिलती है हमको इंडिजल लीफ होती है देखिए इस प्रकार से लीफ होती है ठीक है ऐसा लगता है घोसला बना हुआ है इसलिए घोसला नहीं है ये मेगा स्प्रोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर ये ओवल दिखाई पड़ती है ये ओविल है ये ओविल दिखाई पड़ रहा है आपको देख रहे हैं ठीक है चलिए एक ओविल को देखते हैं एक ओविल को निकाल के देखा हमने बड़े साइज का ओविल होता है लार्जेस्ट ओविल इन दी प्लांट किंगडम ठीक है साइकस में हमको देखने मिलता है क्लियर देखिए ना दूसरा इमेज देख रहे हैं हम तो ये देख रहे हैं हम एक मेगा स्प्रोफेल में, में अब चूंकि इतने बड़े साइज का ओविल होता है इतने बड़े साइज की मेगा होती है इसलिए वो अपने आप को कोन में अरेंज नहीं कर पाती है ठीक है क्लियर यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म पूरा होता है मैंने इस जगह पर आपका एनसीआरटी पूरा पूरा बेटा कवर किया मैंने एक एक लाइन कवर किया और उसके अलावा मैंने बहुत कुछ आपको बताया पहले कॉन्सेप्चुअल देखा उसको हमने फिर हमने पाइना साइकिल हमने और इतना ही हमें को इतना ही कवर करना है इसके ऊपर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं लेकिन काफी कम है काफी तो वहां पर जाकर हम एनर्जी कहीं और लगाते हैं है तो प्लांट किंगडम का बस अब एक लेक्चर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बात करेंगे और कुछ एनजीओ जनरल फीचर को देखेंगे हम ठीक है बेटा चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्टमेफोट join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.